नहीं होगा ना बरिस्टर बाबू। मेरे होते हुए कोई बोंदिता को छू नहीं सकता बिहारी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ ये पर्चे लगे हैं सबको निकालो। बल्कि अभी हम दोनों साथ चलते हैं, हम दोनों मिलकर सारे पर्चे निकालेंगे बिहारी। मैं किसी भी खतरे को बोंदिता के आसपास कभी नहीं भटकने दूंगा। ये कुछ नहीं कर सकते हमारा। चलो चलो चौथा दिन है हॉस्टल का। 4 दिन हो गए सखा बाबू से बात ही नहीं हो पाई है। खा लीजिए मालिक, अब तो दवा खा लीजिए। कल आपने बहुत मनमानी की। देखिए ना, सुबह से बुखार भी चढ़ा हुआ है आपको। कुछ तो खाइए ना मालिक। बिहारी काका बहुत जिद्दी हैं। ये तुम्हारी या मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, अगर काका को बोंदिता आके कुछ कहे ना तो काका जरूर मानेंगे। अगर बोंदिता आए और ऐसे हाथ लगाकर कहे काका ससुर जी आपको तो बुखार आ रहा है, दवाई खा लीजिए ना। और दवाई खाने के लिए तो आपको खाना भी खाना पड़ेगा। 2 दिन से आपने कुछ खाया भी नहीं है। खा लीजिए ना काका ससुर जी, फिर देखना, फिर काका जरूर खाएंगे। फिर जिद्दी जमींदार साहब की सारी जिद छूमंतर हो जाएगी। और फिर ना बिहारी, हम देखेंगे कि कैसे हमसे सारी जिद है काका की। और ऐसा थोड़ी है कि हम काका की बात बोंदिता से करा ही नहीं सकते। मैं अभी फोन लगाऊं और बोंदिता की बात कराऊंगा काका से। हेलो। अब हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी बोल रहा हूं। वो बोंदिता से बात करनी है, उसे बुला दीजिए ना प्लीज। मिस्टर अनिरुद्ध, अभी शायद वो किसी क्लास में हो। क्लास में? अब उससे कहिएगा थोड़ा ज्यादा अर्जेंट है। वो क्या है कि उसके काका ससुर जी उसे बहुत याद कर रहे हैं, बीमार भी हैं, उससे बात करना चाहते हैं। मैं आपको फिर से थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बोंदिता, तुम्हारे लिए तुलसीपुर से फोन आया था मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी का। तुम तब क्लास में थी इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई। वो थोड़ी देर में दोबारा फोन करेंगे। तुम जाकर रिसेप्शन पर उनके फोन का वेट करो, ठीक है? पूरा ध्यान रखना, जैसा कहा है बिल्कुल वैसे करना। ये मत सोचना कि वो बच्ची है, अकल में तुम्हारी माँ है वो। जरा सा भी चूक हुई ना तो उसे संदेह हो जाएगा। तो जैसा कहा है बिल्कुल वैसे कहना। कहना कि उसके त्रिलोचन काका ससुर जी बीमार है, इसीलिए अनिरुद्ध बाबू ने तुम लोगों को भेजा है उसे तुलसीपुर ले जाने के लिए। ठीक है, समझ गए ना? अब जाओ। बंदिता मालकिन। आपके त्रिलोचन काका ससुर जी बहुत बीमार हैं, इसलिए अनिरुद्ध बाबू ने आपको तुरंत बुलाया है। आप मेरे साथ चलिए, बस आपको एक बार देखना चाहते हैं जमींदार बाबू। क्लास खत्म हो गई होगी अब तक। फोन उठाओ बंदिता, उठाओ। क्या काका ससुर जी इतने बीमार हैं? शायद इसीलिए सखा बाबू टेलीफोन कर रहे हैं मुझे। अभी फोन उठाकर बात करती हूँ उनसे। रुकिए मालकिन, मालकिन अगर समय चला गया तो बहुत देर हो जाएगी। आप तुरंत चलिए ना मेरे साथ, देखिए बहुत देर हो जाएगी। अगर बॉन्डिता ने फोन उठा लिया तो गए मेरे 25,000। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। अचानक से फोन क्यों नहीं लग रहा? जल्दी कीजिए मालकिन, देखिए अनिरुद्ध बाबू ने कहा है कैसे भी करके आपको लेकर ही जाना है मुझे आज। बात हो गई तुम्हारी मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी से? मिस्टर अनिरुद्ध ने बताया था कि मिस्टर त्रिलोचन बीमार है। अब कैसे हैं मिस्टर त्रिलोचन? इसलिए तो अनिरुद्ध बाबू ने मुझे मालकिन को लेने भेजा है। चलिए ना मालकिन। जाओ? हाँ जाओ, आराम से जाना। चलिए चलिए। लग नहीं रहा शायद कुछ गड़बड़ी है, लेकिन बिहारी काका को कह दो कि अगर काका जिद्दी हैं तो हम भी उन्हीं की संतान हैं। हम तो महाजिद्दी होंगे। अगर ये नंबर नहीं लगा तो क्या है? मेरे पास उस फोन का दूसरा नंबर है, मैं उस पर लगाऊंगा, काका की बॉन्डिता से बात कराऊंगा और देखना काका कैसे खाएंगे। मैं डायरी लेकर आया, उसमें नंबर लिखा। हेलो मैम, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी। वो कुछ समय पहले आपको फोन किया था, बॉन्डिता से बात करनी थी। शायद कोई खराबी हो गई, इसलिए दूसरा नंबर चल नहीं रहा, इसलिए इस नंबर पे किया हूँ। बॉन्डिता आ गई है, उसकी क्लास खत्म हो गई ना। वो क्या है कि उसके काका की तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो रही है, उससे बात करना चाहते हैं वो। मैं समझती हूँ मिस्टर अनिरुद्ध। मैंने बॉन्डिता को बताया कि मिस्टर त्रिलोचन बीमार है और उसे घर जाने की परमिशन भी दे दी है। परमिशन दे दी मतलब? मैम वो अकेले कैसे आएगी तुलसीपुर? अकेले क्यों? आपने जिस आदमी को भेजा है बॉन्डिता को लेके जाने के लिए, उसी के साथ तो आ रही है। मैम कौन आदमी? मैंने किसी को नहीं भेजा है। आपने बॉन्डिता को किसके साथ भेज दिया? हेलो 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 मिस्टर अनिरुद्ध। कहीं गांव वालों को पता तो नहीं चल गया कि बॉन्डिता कहाँ है? अनिरुद्ध, कुछ करना होगा बेटा। हमारी बहू खतरे में है, उसे बचाना होगा। हमें खुद ही कुछ करना होगा। मालिक, रुकिए, हम गलत रास्ते पर आ गए। तुलसीपुर के लिए रेल से जाने का रास्ता पीछे छूट गया है। मालकिन, वो ये भी रास्ता है, छोटा रास्ता है, यही से जाएंगे हम। झूठ बोल रहे हो तुम। कौन हो तुम? बोलो, क्यों आए हो यहाँ? अब मैं जान गई हूँ कि तुम्हें सखा बाबू ने नहीं भेजा है। मैं अभी जाकर बता दूँ सब सखा बाबू को। जरूर गांव वालों को पता चल गया होगा बॉन्डिता बहू के बारे में। बिहारी, गाड़ी निकालो। अरे कोई और जाए ना जाए, हम जाएंगे हमारी बहू को लेने। काका रुको बिहारी। काका, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं जाकर देख आता हूँ। बॉन्डिता किसी भी मुसीबत में होगी तो क्या? मुसीबत में होगी तो क्या? तुम क्या करोगे? अरे तुम ही तो जिम्मेदार हो उसकी इस मुसीबत के। खुश हो ना आप? हाँ? काका, बॉन्डिता किसी मुसीबत में होगी तो मैं खुश होऊंगा क्या? काका, मैं तो क्या? हम तो बस इतना जानते हैं अनिरुद्ध कि इंसान एक बार गलती करे ना तो वो इंसान होता है, और जो इंसान बार बार वही गलती दोहराए उसे अनिरुद्ध रॉय चौधरी कहते हैं। तुमने ही तो दूर किया ना बे उससे। उसे हमसे छुपाकर तुमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है अनिरुद्ध। एक बात याद रखना अनिरुद्ध, अगर बॉन्डिता बहू को कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। बताऊंगी तो मैं, अनिरुद्ध बाबू को नहीं, गांव वालों को। वो लटकाएंगे तेरा सर और मुझे मिलेगा तेरे पैर पे लटके हुए सर का इनाम। 25,000 का माने बॉन्डिता का सर काटकर चौपाल वाले पेड़ पे लटकाना होगा। तो गवाह, हमारी बहू की रक्षा करना उन राक्षसों से। तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? जा गाड़ी निकाल। मालिक, काका, आप भी जानते हैं कि जो भी किया बॉन्डिता को मुसीबतों से दूर रखने के लिए किया, और ये बात मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश भी तो की ना काका। और रही बात बॉन्डिता की सुरक्षा की, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं बॉन्डिता को घर वापस लाऊंगा, वो भी सुरक्षित। अगर 10 बार गलती करने वाला अनिरुद्ध है तो अपने वादों को निभाने वाला भी अनिरुद्ध रॉय चौधरी ही है, ये बात आप जानते हैं काका। बेहोश है अब ये, लेकिन सुबह तक ही होश में आ जाएगी। इससे पहले कि कोई ऐसा देख ले, मैं इसे जल्द से जल्द छुपा देती हूँ। तू यहाँ खूंटे की तरह क्यों खड़ा हुआ है? तेरा काम तो हो गया ना, चल जा यहाँ से। समझी, सबको बहती गंगा में हाथ धोना है। चल ले, अब खुश? जा यहाँ से। वाली माँ, अब बस उस बदमाश को खबर करना है कि ये बॉन्दिता मेरे कब्जे में है। उसके बाद वो उसे छोड़ दे या मार दे, मुझे क्या, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। मैम आपने ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के साथ बॉन्दिता को जाने दिया? क्या ये सही है? I'm so sorry। मैम इस समय आपके सॉरी की जरूरत नहीं है। मैम इस समय आपकी मदद की जरूरत है। आपको पता है वो आदमी कौन था, कैसा दिखता था? वो सांवले रंग का था और दाढ़ी मुझे भी थी उसकी, उसका धोती कुर्ता पहना हुआ था। मिस्टर अनिरुद्ध, लेकिन आप ये सब कुछ जान के क्या करेंगे? बॉन्दिता को ढूंढ लूंगा मैम। अभी तो बहुत दूर ले जा चुका होगा ना? नहीं, सिलीगुड़ी में रात के समय ट्रेन्स बंद रहती हैं और यात्रा करने के बाकी सारे साधन भी बंद रहते हैं, तो बॉन्दिता और वो आदमी यहीं कहीं होंगे। अगर कुछ पता चले तो प्लीज बताना। हाँ। मेरी गलती की वजह से बॉन्दिता का अपहरण हो गया। मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी गए हैं बचाने, मुझे पूरा विश्वास है। अनिरुद्ध रॉय चौधरी बचाएगा उसे। अनिरुद्ध रॉय चौधरी, बांझ से संतान पाने की और यमराज से जान बचाने की उम्मीद भी मत करना। बुझे चीश, नाम भी मत ले उसका मेरे सामने। नैया डुबाने वाले को पतवार नहीं सौंपते। जो नाव खुद माझी डुबाए उसे तो फिर दुर्गा माँ ही बचाए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.